हेलो दोस्तों, आज आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों रियलमी सी थर्टी के बारे में। रियलमी ने तो ये अपना सी सीरीज के अंदर एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है C30, एंड आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 7,499 रुपये की प्राइस में आपको जो है लॉन्च किया गया है, यानी कि रियलमी का जो C11 आ रहा था दोस्तों यहाँ पर सेम उसी प्राइस पर इसको यहाँ पर प्लेस किया गया है। एंड अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को जरूर से देखें, मैं इस स्मार्टफोन की पूरी कहानी आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों यहाँ पर दो स्मार्टफोन और भी शेयर करने वाला हूँ इस प्राइस बजट रेंज के अंदर, यानी कि जो 7 से 8 हज़ार का बजट है इसके अंदर मैं दो स्मार्टफोन आपको इसके अलावा और भी सजेस्ट करूंगा। एंड देखेंगे ये वाला स्मार्टफोन आपके लिए क्या वैल्यू फॉर मनी है, आपको लेना चाहिए, बाई करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, काफी हेल्प होने वाली है इस वीडियो से। वीडियो पसंद आया जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं अगर यहाँ पर रियलमी C30 की, तो स्मार्टफोन अगर देखें तो आप डिजाइन वाइज अगर देखेंगे स्मार्टफोन को, तो आपको पीछे की तरफ सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल डिजाइन के मामले में, ओवरऑल लुक के मामले में बोलूंगा स्मार्टफोन काफी गजब का लगता है देखने में। हैंड ऑन फील दोस्तों यहाँ पर स्मार्टफोन की काफी गजब की यहाँ पर रहने वाली है, तो मतलब ओवरऑल लुक के मामले में रियलमी ने यहाँ पर काफी अच्छे से यहाँ पर काम किया है। एंड बाकी दोस्तों आपको यहाँ पर जो है कोई भी सिक्योरिटी फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बैक की तरफ देखेंगे आपको कोई भी यहाँ पर फीचर सिक्योरिटी वाला नहीं दिया गया, यानी कि रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट ना ही साइड माउंटेड कोई भी आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा चलिए आप बात करते हैं इसी रियलमी C30 के हम कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, यहाँ पर जो इसके डिस्प्ले कैमरा वगैरह के बारे में क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले की, तो इसके अंदर आपको दिया जाता है यहाँ पर 6.5 इंच का एक HD+ डिस्प्ले, जो कि यहाँ पर जो है 60 Hz वाला पैनल यहाँ पर यूज किया गया, एंड 120 Hz का आपको TSR यानी कि टच स्लैपिंग रेट आपको देखने मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले तो यहाँ पर IPS पैनल का यूज किया गया, डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह ठीक रहने वाली है। एंड जिस प्राइस पर उसको आता है यानी कि 7,499 की प्राइस पर, तो इस प्राइस पर मैं बोलूंगा कि हाँ आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, तो कोई भी शिकायत नहीं करूंगा, डिस्प्ले तो ओके यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कैमरा सेटअप की, तो इसके अंदर आपको मिलता है यहाँ पर 8 MP का प्राइमरी कैमरा, एंड साथ ही यहां पर मतलब सिंगल कैमरा मिलता है। एंड फ्रंट की बात करें तो आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। कैमरे की अगर बात करें तो वो भी आपको यहां पर ठीक ठाक यहां पर देखने मिल जाता है। बाकी इस प्राइस रेंज के अंदर अभी आपको यहां पर 13 MP तक का कैमरा आपको मिल जाता है, एंड फ्रंट में साइज से आपको 8 MP तक का सेल्फी मिल जाती है आपको है। एंड मैं यही बोलूंगा कि यार जो कैमरा दिया गया है वो ओवरऑल ठीक है, यहां पर ओके कैमरा भी यहां पर आपको देखने मिल जाता है। बात करते हैं यहां पर जो है इसके बैटरी की, तो आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, साथ में आपको यहां पर 10 W का चार्जर बॉक्स के अंदर देखने मिल जाता है। इसके अलावा बैटरी भी यहां पर ठीक ठाक आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है, एंड साथ ही जो चार्जिंग है थोड़ा सा टाइम जरूर से वाला है, तो इसका ध्यान रखेगा। बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम सबसे जिसका वेट कर रहे हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस की, जो कि आपको ये आता है UNISOC के T612 चिपसेट के साथ में, जो कि एक 12 NM बेस्ड चिपसेट है, एंड ये UNISOC का चिपसेट है, जो परफॉर्मेंस वगैरह है दोस्तों वो आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड अगर हम किसी अदर चिपसेट से कंपेयर करके आपको बताते हैं, तो ये जो है यहाँ पर मेडटेक का हीलियो G70 चिपसेट आता है, तो उसके बराबर यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको देते हैं। बोलूंगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से परफॉर्मेंस दोस्तों आपको काफी अच्छी यहाँ पर देखो मिल जाती है। वैसे इस प्राइस रेंज के अंदर यहाँ पर और भी कंपनियां हैं जो यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो G35 चिपसेट का यूज करती है, जो कि UNISOC T612 के कंपैरिजन में यहाँ पर काफी लो है, परफॉर्मेंस वगैरह कम मिलती है, तो ये चीज यहाँ पर अच्छी आपको परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पर जो है काफी अच्छी मिल जाती है प्राइस के साथ देखा जाए। एंड साथ ही अगर आप यहाँ पर गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर नॉर्मली सेटिंग्स पर यहाँ पर आपको जो है गेमिंग वगैरह भी चिपसेट थोड़ी बहुत यहाँ पर करा देगा, तो ऐसा नहीं है। एंड वही दोस्तों बात करें यहाँ पर सिक्योरिटी फीचर्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी फीचर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, तो ये एक सबसे बड़ा कॉन्स होता है, जो कि इस प्राइस के अंदर यहाँ पर शायद से आपको यहाँ पर मतलब फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर रियर में तो यहाँ पर देना चाहिए, तो वो चीज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। एंड वही दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हम OS की, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आपको देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही अगर इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर हम जो है UI की, तो आपको रियलमी UI देखने को मिल जाती है। वही ये जो 11 तो यहाँ पर गो एडिशन का यूज किया गया है, यानी कि आपको एंड्रॉइड का फुल वर्जन गो एडिशन देखो मिलता है, एंड वो भी इसको मिलना भी चाहिए, क्योंकि यहां पर जो वेरिएंट आता है ये आपको 2 GB रैम के साथ स्टार्ट होता है, तो ये चीज यहां पर सही भी है, क्योंकि अगर आपको यहां पर फुल वर्जन दे दे तो यहां पर आपको जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो यहाँ पर लैग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड अगर रैम एंड स्टोरेज बैंड की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 GB रैम 3 GB रैम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर LPDDR4X रैम का यूज करके। वहीं अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो सिंगल स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है आपको, 32 GB की यहाँ पर सिंगल स्टोरेज मिल जाती है। अगर स्टोरेज टाइप की बात करें तो UFS 2.2 स्टोरेज यहाँ पर देखो मिल जाती है, जो कि बोलूंगा हाँ इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी अच्छी चीज है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर EMC 5.1 स्टोरेज यहाँ पर इस प्राइस रेंज में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको UFS 2.2 का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है।
एंड वही बात करते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी फीचर्स की, तो ये स्मार्टफोन एक 4G स्मार्टफोन है, आपको सिंगल वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 यहाँ पर देखो मिल जाता है एंड 3.5mm जैक यहाँ पर देखो मिल जाता है। अगर फाइनली हम प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर जो 2GB रैम एंड 32GB स्टोरेज जो वेरियंट है ये तो आपको 7499 रुपए के प्राइस में देखो मिल जाता है। एंड फिलहाल दोस्तों ये तो बात हो गई यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन की, अब हम बात करते हैं तो फाइनली अपने ओपिनियन की। यहाँ पर दोस्तों मैं सीधे से अपने ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस स्मार्टफोन को लेकर। दोस्तों यहाँ पर मैं एक लाइन में यहाँ पर अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि दोस्तों अगर आपका बजट जो है यहाँ पर 7499 रुपए तक का, मतलब एकदम फिक्स बजट है, आप एक भी रुपए ऊपर नहीं जा सकते हो, तो मैं बोलूँगा कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से इस स्मार्टफोन के लिए आप जा सकते हो। अगर आप यहाँ पर अपना बजट को इंक्रीज कर सकते हो तो मैं बोलूँगा जरूर से बजट को बढ़ाइए, इस स्मार्टफोन से अच्छे भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो कि अगर आप यहाँ पर 1200 रुपए तक का अगर आप बजट इंक्रीज करते हो तो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलता है इनफिनिक्स हॉट 12 प्ले, जो कि काफ़ी जबकि स्मार्टफोन आता है इनफिनिक्स की तरफ से देखो मिलता है आपको, एंड सारे ही फीचर्स आपको अच्छे देखो मिल जाते हैं। HD+ यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाता है, कैमरा वगैरह उससे बेटर मिलता है यहाँ पर है, मतलब बेटर क्या तो इमेज इनफिनिक्स का है तो इमेज क्वालिटी आपको डिसेंट सी मिलने वाली है, बाकी इसके अलावा जो परफॉर्मेंस वगैरह वो सेम मिल जाती है। एंड जो चीज़ यहाँ पर क्या है कि मेन चीज़ काम करेगा आपको पर सिक्योरिटी फीचर्स यहां पर देखो मिल जाता है, एंड साथ ही जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा पर बड़ा देखो मिलता है, तो ओवरऑल देखें एंड साथ ही तो यहां पर आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, तो ये सारी चीजें आपको देखो मिलती है, मतलब उससे काफी गजब के स्पेक्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि अगर आप इसके साथ जाते तो ये चीज़ अच्छी होती है। एंड साथ जो वारंट आता है ये आपको यहाँ पर 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर होती है। बोलूँगा जरूर से आप अगर 1200 रुपये तक का आप मतलब इंक्रीज कर सकते हो तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। एंड वहीं इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास रहता है, अगर आप यहाँ पर जो है 300 रुपये 1200 में और इंक्रीज करते हो यानी कि 1500 रुपये अगर बढ़ाते हो तो आपको यहाँ पर इनफिनिक्स का तो इनफिनिक्स हॉट 11 2022 वाला वारंट मिल जाएगा, इसके अंदर आपको यहाँ पर 9000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर पर आपको फुल HD+ वाला डिस्प्ले देखो मिल जाएगा, तब आप यहां पर इसके साथ जा सकते हो। दोस्तों यहां पर आपके लिए यहां पर दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, पहला तो इनफिनिक्स हॉट 12 जो है आपको यहां पर प्ले देखने को मिल जाता है, एंड दूसरा जो ऑप्शन है इनफिनिक्स हॉट 11 2022 वाला जो है आपको वेरिएंट देखो मिल जाता है, तो ये दो ऑप्शन है आप यहां पर इसको देख सकते हो। एंड फ्लैगलेस तो आपको रियलमी C30 जो है तो ये यहाँ पर जब ही रिकमेंड करूंगा दोस्तों आपको मैं, जब आपका दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप एक नॉर्मल यूजर हैं, एक स्टूडेंट केवल पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हो, तब मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पर रियलमी C30 की तरफ जा सकते हो। एंड दूसरा दोस्तों क्या है कि आपका बजट दोस्तों बिल्कुल भी आप नहीं इंक्रीज कर सकते हो, तब आपके लिए रियलमी C30 जो है मतलब मैं बोल दूंगा आप यहाँ पर ले सकते हो, या फिर इसके अलावा आपको एक मतलब लुक वाइज फोन चाहिए, स्मार्टफोन देखने में मतलब काफ़ी क्लियर लगना चाहिए, तो ये बोलूँगा कि हाँ तीनों ही ऑप्शन में यहाँ पर रियलमी 30 तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, लुक वाइज चाहिए बजट कम है तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। एंड साथ ही एक और बोलूँगा कि अगर आप अपने घर में किसी को फ़ोन देना चाहते हो, क्योंकि वो लोग यहाँ पर केवल कॉल करेंगे, फेसबुक या व्हाट्सअप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, बस ये चीज़ें करते हो, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जा सकते हो, बाकी तो आप बजट इंक्रीज कर सकते हो, तो आप यहाँ पर जो मैंने दो स्मार्टफोन बताए हैं आप उनकी तरफ जा सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों ये थे यहाँ पर मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन, वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर देगा, एंड साथ ही कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर एंड ट्विटर पर दोस्तों मैसेज करके आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो, मैं जरूर से आपको रिप्लाई करूंगा। एंड चाहती चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।